नमस्कार प्रणाम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजेश गुरुजी पर। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश आने लगे हैं दोस्तों, और उनका नोटिफिकेशन निकलने लगा है। कई जिलों से अतिथि शिक्षकों के आदेश आ रहे हैं। आज मैं आपको एक अपडेट बताऊंगा जिसमें अतिथि शिक्षकों की भर्ती के संबंध में आदेश निकाला गया है दोस्तों। और कल मैंने जो GFMS पोर्टल से संबंधित एक वीडियो बनाई थी, अभी उस पर थोड़ा बाकी चल रहा है काम दोस्तों। और जब तक DPI का एक आदेश नहीं आ जाता तब तक उस काम को थोड़ा अनलीगल अपन समझते हैं, लेकिन फिर भी प्रोसेसिंग हुई है GFMS पोर्टल पर दोस्तों। और आज मैं आपको बताऊंगा अतिथि शिक्षक भर्ती का आदेश कहां से निकला है दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल के लिए कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो थैंक्स मेनू में जाकर आप हमें कुछ डोनेट भी कर सकते हैं हमारे चैनल के लिए। तो आज मैं आपको जो अपडेट बताना चाहता हूं दोस्तों, वो अपडेट है, सबसे पहले आप देखिएगा दोस्तों, और बहुत ही बड़ा अपडेट दोस्तों आप लोगों को लेकर मैं आया हूं। सबसे पहले बात करते हैं अतिथि शिक्षक से संबंधित इस आदेश की, क्योंकि अतिथि शिक्षकों की भर्ती के जो आदेश निकाले जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का तो नहीं, लेकिन दोस्तों ये आदेश है जो स्क्रीन पर आ चुका है और आपको भी मैं स्क्रीन पर बता रहा हूँ दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। आदेश है, कार्यालय प्राचार्य शासकीय कन्या शिक्षा परिसर उमरिया, जिला उमरिया, मध्य प्रदेश। उमरिया मध्य प्रदेश की तरफ से निकला है आदेश, अतिथि शिक्षक भर्ती के लिए निकाला गया है आदेश। सबसे पहले विज्ञप्ति प्रेस की गई है दोस्तों, शासकीय कन्या शिक्षा परिसर उमरिया, जिला उमरिया, सन 2022-23 हेतु अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है। इच्छुक उम्मीदवार दिनांक 1/6/2022 से 15/6/2022 तक समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कार्यालय में जमा कर सकते हैं। पदों का विवरण एवं योग्यता की जानकारी निम्नानुसार है दोस्तों। सबसे पहले वर्ग एक के लिए इतिहास की वैकेंसी, अतिथि शिक्षक वर्ग एक, संबंधित विषय स्नातकोत्तर और BEd और MEd जरूरी है। दूसरा है रसायन शास्त्र के लिए योग्यता, अतिथि शिक्षक वर्ग एक के लिए संबंधित विषय स्नातकोत्तर प्लस BEd और MEd जरूरी है दोस्तों। अर्थशास्त्र के लिए अतिथि शिक्षक योग्यता बोई की बोई रहेगी। इसके बाद में भौतिक के लिए भी जगह है, हिंदी के लिए अंग्रेजी, गणित, गणित संस्कृत अंग्रेजी, PTI, लोक संगीत एवं नृत्य प्रशिक्षक एवं केवल महिलाओं हेतु। लोक संगीत एवं नृत्य, जो नृत्य के विषय में जो जगह भराई जाएगी दोस्तों, उसमें महिला का आवेदन, महिलाओं के लिए छूट दी गई है, महिलाओं का आवेदन उसमें होगा। इसके बाद में इन्होंने नियुक्तियों के जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है, मेन टॉपिक, वो है नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार हैं। सबसे पहले क्या शर्तें होगी, क्या अर्हता इन्होंने रखी है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। उपरोक्त नियुक्तियों में एक शैक्षणिक सत्र में 10 माह के लिए ही होगी, जिस विषय की शिक्षक की प्रतिपूर्ति स्नातरण या नवीन नियुक्ति से हो जाती है, उस विषय में अतिथि शिक्षक की सेवाएं स्वतः ही तत्काल समाप्त हो जाएंगी। नंबर 2 दिया है, संबंधित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण होना आवश्यक है, साथ ही DEd, BEd एवं निर्धारित योग्यता होना नितांत आवश्यक है। नंबर 3 दिया है, पूर्ण वर्षों में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी ईयर अध्यापन का अनुभव प्रमाण पत्र को आवेदन के साथ उल्लंघन करें, महिलाओं अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, संस्था में पूर्ण निष्ठा एवं समर्पित भाव से समयबद्धता के साथ उपस्थित होकर अध्यापन कराना होगा, और आपका आचरण एवं व्यवहार संस्था के अनुकूल ना पाए जाने पर तत्काल सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी। अध्यापन के साथ अन्य विद्यालयहीन सौंपे कार्य संपादन करना आवश्यक होगा। समस्त अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ साथ कोरोना वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, और उपरोक्त अतिथि शिक्षक की भर्ती के संबंध में जिला स्तरीय समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा। ये शर्तें हैं। सबसे पहले आदमी का जो कल्चर होता है, संस्कृति होती है, अगर आप एक टीचर हैं और टीचर बनने की आप योग्यता रखते हैं, तो सबसे पहले आपके व्यवहार का आकलन किया जाएगा, और आपका व्यवहार कैसा है, आप बच्चों के लिए कैसे उतरते हैं, खड़े उतरते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है व्यवहार, टीचर का व्यवहार कैसा होना चाहिए दोस्तों। तो ये सारी शर्तें अतिथि शिक्षकों की भर्ती में ली जाएंगी, सारी चीज़ें। कोविड का अगर आपको कोविड वैक्सीनेशन हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट तो आप खुद मोबाइल नंबर से भी निकाल सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।